आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको भी लीवर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक लीवर अल्ट्रासाउंड का फॉर्मेट लिया है, इसमें आपको दिख रहा होगा कंक्लूजन, यानी कि जब भी आप कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको एक कंक्लूजन मिलता है। उस कंक्लूजन में ये पता चलता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये लीवर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है। तो इसके कंक्लूजन में हमें ये पता चल रहा है कि फैटी चेंजेस ऑफ लीवर, यानी कि जो लीवर है उस पर्सन के लीवर में क्या हो रहा है, फैट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि फैटी लीवर हो रहा है। तो इसी तरह के कई तरह के टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं और लीवर में कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, तो हर बीमारियों के लिए अलग अलग टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम की पॉइंट देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमें कौन कौन से रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटोमिगेली, हेपेटोमिगेली विथ ग्रेट सेकेंड फैटी चेंजेस, लीवर सिरोसिस विथ पोर्टल हाइपरटेंशन, मिड हेपेटोलॉजी विथ ग्रेट सेकेंड फैटी लीवर, हेपेटोमिगेली डिफ्यूज चेंजेस ऑफ फैटी इनफिल्ट्रेशन, यानी कि ये ग्रेड थर्ड और ग्रेड फोर्थ का फैटी चेंजेस होता है। तो इन सारे की पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। यानी कि अगर कभी भी अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको इस तरह के टर्म दिखते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं हेपेटोमिगेली का मतलब। देखिये जो हेपेटोमिगेली होता है इसे हम एनलार्ज लीवर भी कहते हैं, यानी कि जो लीवर का नॉर्मल साइज होता है उससे ज्यादा उसका ग्रोथ हो जाना उसे हम लीवर हिपेटोमिगेली कहते हैं, यानी कि उसका लीवर जो है एनलार्ज हो गया है। सेकंड है स्टीटोटिस, इसका मतलब होता है फैटी लीवर, यानी कि उस पर्सन के लीवर में फैट का डिकम्पोजिशन होने लगा है, उसे हम स्टीटोटिस कहते हैं, यानी कि फैटी लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में आपको आइटिस वर्ड दिख जाए तो समझ लीजिए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन। तो जब भी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है लीवर के अंदर, तो हेपेटाइटिस वर्ड देखने को मिलता है। तो ये तो ऐसे टर्म्स हैं जो कि कभी भी आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इनका कारण क्या है, यानी कि हेपेटोमिगेली क्यों होता है, स्टेटोटिस क्यों होता है और हेपेटाइटिस का रीजन क्या है। तो देखिए जो हेपेटोमिगेली होता है इसका मेन रीजन होता है मलेरिया या फिर हेपेटाइटिस या फिर फैटी लीवर, इनके वजह से क्या होता है हेपेटोमिगेली की प्रॉब्लम होती है। स्टेटोटिस इसका मेन रीजन ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा, या फिर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा एल्कोहल पीता है तो उसे भी फैटी लीवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और भी इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस का भी मेन रीजन एल्कोहल ही है और कुछ ऐसे मेडिसिन यानी कि ड्रग्स होते हैं जिनके वजह से हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको लीवर अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ और भी टर्म्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लीवर फाइब्रोसिस, इसका मतलब होता है फर्स्ट चेंजेस ऑफ लीवर स्केरिंग। देखिए स्केरिंग का मतलब होता है लीवर का डैमेज होना, यानी लीवर खराब होना। तो जो लीवर फाइब्रोसिस होता है ये लीवर डैमेज का फर्स्ट स्टेज होता है, यानी कि अगर कभी आपको अल्ट्रासाउंड में लीवर फाइब्रोसिस वर्ड दिख जाए तो समझ लीजिए कि उसके लीवर का डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, यानी पहले स्टेज पे आ गया है। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है परमानेंट स्केरिंग, यानी कि लीवर का परमानेंट डैमेज हो जाना। तो जब भी आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लीवर सिरोसिस मिल जाता है, यानी समझ लीजिए कि उस पेशेंट का परमानेंट लीवर डैमेज हो चुका है। तो चलिए हम लीवर डैमेज के स्टेज को समझ लेते हैं, यानी कि लीवर डैमेज किस स्टेज से होता है। तो देखिए पहला आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपका हेल्दी लीवर है। सेकेंड जो पिक्चर है इसमें आपको फैटी लीवर दिख रहा होगा, यानी कि इसमें क्या होता है फैट का डिकम्पोजिशन होने लगता है, और जब फैट डिकम्पोजिशन होने लगता है तो इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे हेपेटिक फाइब्रोसिस, यानी कि ये लीवर का पहला स्टेज है, लीवर यहाँ से आपका खराब होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है सिरियोसिस, यानी कि ये सीवियर कंडीशन होता है, इसके अंदर क्या होता है लीवर का फंक्शन बंद हो जाता है, यानी लीवर अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। और नेक्स्ट स्टेज आप जो देख रहे हैं ये है लीवर कैंसर, जब आपका लीवर काम करना बंद कर देगा तो उसमें लीवर कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि आपका लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है। तो ये तो था स्टेज ऑफ लीवर डैमेज, यानी कि लीवर कैसे डैमेज होता है।
और आपको लिवर अल्ट्रासाउंड में पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल जाता है। यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो आंत से लीवर के अंदर ब्लड जाता है, जिस नलिकाओं के अंदर ब्लड जाता है उस नलिकाओं में प्रेशर का बढ़ जाना, उसी को हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। और एक आता है एसआईटिस। एसआईटिस का मतलब होता है जो पेट की दीवार होती है उसके अंदर पानी भर जाता है, तो ये है एसआईटिस। तो ये तो थे कुछ ऐसे टर्मोलॉजी जो कि आपको लीवर अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप इन टर्मोलॉजी के बारे में जानते हैं तो आप कभी भी आसानी से लीवर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।